खबर इंदौर से है, जहां की बाणगंगा इलाके में एक निजी फैक्ट्री कर्मचारी और उसके परिवार पर पड़ोसी युवक और उसके जीजा ने हमला कर दिया। हमले में कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि उसके पिता और बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने रात में मुख्य आरोपी, उसकी बहन और जीजा को हिरासत में ले लिया है। वहीं हत्याकांड में शामिल आरोपियों के नाम बढ़ाए भी जा सकते हैं। मामले में TI राजेंद्र सोनी ने बताया कि घटना रेवती रेंज की है, जहां रविवार रात अमन प्रजापति, पिता देवेश और 16 साल की नाबालिग बहन पर आकाश साहू और जीजा राकेश और बहन किरण ने हमला कर दिया। इस हमले में अमन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि देवेश और उसकी 16 साल की बेटी घायल है। जानकारी के मुताबिक हमलावर आकाश साहू आए दिन नाबालिग को परेशान करता था, जिसे लेकर परिवार ने आपत्ति भी ली थी। आकाश पहले लड़की को परेशान नहीं करने की बात कर चुका था, लेकिन दो दिनों से लगातार उसे वो कमेंट कर रहा था। वहीं रविवार रात को इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई थी, जिसमें अजय ने अपने जीजा राकेश और बहन किरण को बुला लिया। रात में एकाएक आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें अजय ने अमन की पीठ में चाकू मारा, जो कि सीने तक आ पहुंचा। इस हमले में उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं रात में पुलिस ने अजय, जीजा राकेश और किरण को पकड़ लिया। इस हत्याकांड में सपना नाम की महिला की भी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन अधिकारी अभी भी मामले में जांच की बात कह रहे हैं। वहीं परिवार के मुताबिक अमन तीन बहनों में सबसे बड़ा था, वो माता पिता का इकलौता बेटा था। हमले में घायल लड़की 11वीं की छात्रा है। अमन और उसके पिता एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। पुलिस अब इस हत्याकांड को लेकर जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।